प्रतिवड़ तो जाए सांस सांस पर सुरत हो शब्द शब्द पर नाम बिंदु बिंदु में विरह हो मेरे रोम रोम घन श्याम मोहन ने नायाप के नौका के आकार जो जनन से मिल गए हो गए मौसे सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम पूर्वक महामंत्र का संकीर्तन करें। जिस नाम को स्वयं भगवान सदा शिव जपते हैं उसी महामंत्र को आप हम भी थोड़ी देर ताली बजाते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम पूर्वक भगवान नाम का जाप करें। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण
भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरे हरे महादेव। भगवान शिव की वांगमयी छवि, शिव पुराण के चरणों में माथा टेक, मंच पर विराजमान सभी आवाहित देवता, ब्रह्म मूर्ति, पंडाल में बैठे साधु संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब पधारे हुए भक्तों को, मात्र शक्ति बहनों को व्यास पीठ से हमारी ओर से आज का जय श्री कृष्ण। शिव महापुराण की कथा चल रही है, पर बैठे रहना, सुनते रहना। कल अपने रुद्राक्ष महत्व सुन के गए, बिलपत्र का महत्व भस्म, जो जो पूजा बनी आपने जो है यहाँ पे सुनी, जो सेवा चल रही है उसे सुने। और एक बात का ध्यान रखना, बैठे हो, सुन रहे हो, आ रहे हो, पर आज व्यासपीठ आपको एक संदेश दे रही है। और संदेश ये है कि जितने आए हैं कथा सुनने, ये सब भाग्यशाली हैं भक्तों, क्योंकि हरि वजह सो हंस, कामी क्रोधी काल, और जिन्हें मिला सत्संग उनका जाग्या भाग। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है भक्तों। आप किस्मत वाले हैं, पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, अपने आप को कम मत मानना। पर एक बात का ध्यान रखना, संसार में रहते हो, घर गृहस्थी है, दुकान है, धंधा है, नौकरी है, पद है, पैसा है, खेती है, परिवार है, नाते रिश्तेदार हैं, ये सब लेके बैठे हैं, ये ध्यान रखना। कभी कभी हम भले ही ध्यान रखना कितने पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, पर कभी कभी सुखों की अधिकता के कारण आपकी हमारी ईश्वर से दूरी हो जाती है। कारण सुखों की अधिकता। पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, ये माना, पर कभी कभी सुखों की अधिकता के कारण हमारी आपकी परमात्मा से दूरी हो जाती है। तो निवेदन है सबसे, जैसे भोजन जीवने बैठते हो, ध्यान रखना थाली की पहली रोटी नहीं खुटे, उसके पहले दूसरी रोटी आ जाना चाहिए। क्या बात है, सही है, सही है कि नहीं? यदि भोजन परोसने वाली बहन ने यदि प्रेम पूर्वक आपको भोजन के लिए बिठाया, अब चौका यहाँ और बढ़िया बरामदे में बैठा दिया और एक रोटी रख गई और कही श्री हरि करो, भोजन वाले की क्या हालत होती है भक्तों। बात लौकिक है, पर ये बात लौकिक नहीं है, परलोक की कथा चल रही है। संदिग्धे परलोके भी कर्तव्या पुण्य संचया। जैसे बहन बेटी ने भोजन वाले को भोजन के लिए बिठाला और रोटी खत्म ना हो उसके पहले दूसरी रोटी आ जाना चाहिए। बात ये चल रही है आपका हमारा पुराना पुण्य खत्म नहीं हो, ऐसे नया पुण्य का संग्रह कर लेना। पुराना खत्म नहीं हो उसके पहले कमा लेना, संग्रह कर लेना।
मेहमान ज्यादा हैं, सदस्य ज्यादा हैं, तो घर पे कह दिया, मेहमानों से कह दिया, आराम से खाना, छोटे छोटे कौर लेना, अभी गरम गरम बना रही हूँ, गरम गरम लाई, गरम गरम खाओ, आराम से खाओ, छोटे छोटे ग्रास ले लो, मेहमान ज्यादा हैं, छोटे छोटे ग्रास ले लो, आराम से, जब तक आ रही उंगली चाटो, कटोरी चाटो, कुछ भी करो, पर आराम से कह दिया, थोड़ा 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 आराम से जीमो। ऐसे परमात्मा ने यदि ज्यादा ही हमको माया ढेर दे दिया, पद है, पैसा है, अब 24 घंटे में कल बताया था 21,600 सांस निकलती है, उसके बदले में 2,160 नाम लेना अनिवार्य है, 2.5 घंटा परमात्मा के लिए समर्पित करना अनिवार्य है। अब भगवान ने खेती दे दी, धंधा दे दिया, नौकरी है, पद है, पैसा है, एक साथ आपको हमको समय नहीं मिलेगा कि एक आसन से बैठ के 2.5 घंटे भगवत स्मरण कर सके। तो ऐसे बहन बेटी ने कह दिया, थोड़े थोड़े टुकड़े से आराम से, छोटे छोटे कौर लेना, छोटे छोटे ग्रास लेना, ऐसे संतों ने युक्ति बताई, एकदम नहीं भज पाओ रे, तो क्या करें, एक घड़ी आधी में पुनिया, ये टुकड़े की तो बात कही है, ग्रासी ही की तो बात कही है। कहीं भी जाओ भक्तों, कभी देवालय में भगवान का दर्शन कर लिया, कभी सत्यनारायण भगवान की कथा, कभी तीजा जागरण, कभी शिवरात्रि जागरण, ये सब क्या है, ये सब वही टुकड़े हैं भक्तों। करते रहो, कभी 16 सोमवार, कभी शनिवार व्रत, कभी संकट चौथ, करते रहो टुकड़े टुकड़े, आओ छोटे छोटे ग्रास, छोटे छोटे आराम से लेते रहो, बस भोजन वाली कह रही है गरम गरम लाई, बस आराम से पाओ। दूसरा आज एक निवेदन है भक्तों, आज आपको निमंत्रण दे रही है व्यासपीठ, आप स्वीकार करेंगे? व्यासपीठ आपको निमंत्रण दे रही है और पूछ रही है, आप निमंत्रण स्वीकार करोगे? और निमंत्रण चाय नाश्ते का नहीं है, आओ भोजन का नहीं है, निमंत्रण है सोचने का। तुम भी सोचो, हम भी सोच रहे हैं, और सोचने का निमंत्रण है, तो ध्यान रखना, राष्ट्र के विषय में मत सोचना, देश के विषय में मत सोचना, अपने शहर नगर के विषय में नहीं सोचना, गांव के विषय में नहीं सोचना, अपने घर के विषय में नहीं सोचना, अपने परिवार पत्नी पुत्र के विषय में नहीं सोचना, नौकरी धंधा पद पैसे के विषय में नहीं सोचना, किसी के विषय में नहीं सोचना, पर अपने विषय में सोचना कि जो करना थी मैंने किया नहीं, फिर मैंने मनुष्य शरीर लेकर के क्या किया। सोचो जल्दी, तुम भी सोचो, हम भी सोच रहे हैं, जो करना थी हमने किया नहीं, फिर ये मनुष्य शरीर लेकर के हमने क्या किया। भक्तों, जो भक्ति का रंग इस शरीर पे चढ़ना थी वो रंग चढ़ा नहीं, फिर हमने चौथापन आ गया, ये संसार का सुख भोगते भोगते हमने क्या किया। भक्तों, नहीं तो संत का कहना है, गर्व चढ़े पल नाम चढ़े, गर्व चढ़े पल नाम चढ़े, मुखपाल चढ़े चढ़े जोग घना के, हाथी चढ़े पुनि अश्व चढ़े, जवानी चढ़े जब बीती पना के, शत्रु और मित्र के चित्त चढ़े, ने दारू चढ़े जब जोर घना के, पर ये भक्ति को रंग चढ़ो ही नहीं, अब कांधे चढ़े चले चार जना के। जो भक्ति का रंग इस शरीर पे चढ़ना थी वो चढ़ा नहीं, फिर हमने ये मनुष्य शरीर धारण करके क्या किया। ऐसे कथाएं सोचेंगे तो आत्मा में उतरेंगी, घट में उतरेंगी, और थोड़ा तो लगेगा आत्मा को कि वास्तविक कथा है, और कथा बहुत कीमती है और काम की है। भक्तों, सोचो रे भाई बहनों, यदि कोई सोचे मैं तो सुंदर भोजन करने के लिए आया हूँ, तो ये भी बात गलत है भक्तों, क्योंकि जिस समय भगवान ने घुन बनाया था, धंधोरिया बनाया था, कीड़ा बनाया था,
खूब अन्न उचकारा होगा, कोई नई बात नहीं है। कोई सोचे मैं तो फल खाने के लिए आया हूँ, ये भी कोई नई बात नहीं है। जिस समय भगवान ने पक्षी बनाया था, इच्छानुसार डाली पे बैठ के खूब फल खाए होंगे। कोई सोचे मैं तो सुंदर कपड़े पहनने के लिए आया हूँ, ये भी कोई नई बात नहीं है। जिस समय भगवान ने हंस बनाया था, मोर बनाया था, बगुला बनाया था, अरे शरीर ही इतना सुंदर दिया था, कपड़े की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक काम रह गया था भक्तों, और वो काम था परमात्मा का भजन। ये भजन के लिए हमने सांस लिया है। सोचो जो करना थी मैंने किया नहीं, फिर मैंने मनुष्य शरीर धारण करके क्या किया भक्तों। कि आछे दिन पाछे गए कियो ने हरि से हेत, अब पछताए क्या होत है। जब चिड़िया चुग गई खेत, ने बात बात में रात गई, ने करी ना काम की बात। ये रात दिवस सब जा रहे रे, करो काम की बात। ने रात गमाई सोए के, दिवस गमाया खाए। ये हीरा जन्म अनमोल, ये कोड़ी बदले जाए। नहीं तो काल खड़ा है शीस पे, सुन लेना रे भक्तो, काल खड़ा है शीस पे। भज लीजिए भगवान, पचते है तू बाद में, यह निश्चय ले जान। सोचो जल्दी सोचो, एक चक्रवर्ती राजा, एक छत्र राज, सोने का पलंग था, सोने का मुकुट था, सोने का सिंहासन पर बैठा, और पत्नी भी सुलक्षणा है, पुत्र भी आज्ञाकारी है, सब तरह की अनुकूलता थी। पर एक दिन राजा सांझ समय सिंहासन पर बैठा बैठा रो पड़ा, अपनी पत्नी की गोद में जाके सिर रख करके बिलख पड़ा, और कहा देवी देवी, ये चौथा पन आ गया मुझे संसार का सुख भोगते भोगते, अभी तक मुझे इन विषयों से वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है। बता सकते हो कौन राजा था? पढ़ी रामायण कि 24 घंटे में पूरी कर रहे हो? बस 24 घंटे में जो जाने जहां से आए। एक राजा सोने के सिंहासन पर बैठा, पत्नी सुलक्षणा है, पुत्र आज्ञाकारी है, और एक दिन पिलक पड़ा, रो पड़ा, और अपनी पत्नी से कहा देवी हो इन विषय विराग, ने भवन बसतवा चौथवन, ने हृदय बहुत दुख लाग, ने जन्म गयो हरि भक्ति बिना। राजा मनु सिंहासन पर बैठे थे, बैठे बैठे और एक दिन बिलख पड़े, और अपनी धर्म पत्नी सतरूपा से कहा देवी इस संसार का सुख भोगते भोगते, इस भवन में रहते रहते मुझे चौथापन आ गया, इन विषयों से मुझे वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है। सोचो रे भक्तो, सोचो आपने आफत काल के लिए बैंक बैलेंस रखा है, कमाई में से थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं, घर पे ये बहने देखना, पति खर्चा के लिए दे बेचारे, लेकिन फिर भी गुल्लक में थोड़ा 10-5 रुपया 100-150 रुपया डालती रहती है। आपने ध्यान रखना, आपातकाल के लिए बैंक बैलेंस रखा है, बुढ़ापे में सेवा के लिए आपने पुत्र पैदा करके छोड़ दिया, पर व्यासपीठ कह रही है आपातकाल के लिए बैंक बैलेंस रखा, बुढ़ापे के लिए पुत्र पैदा किया, सुधारने के लिए आपने हमने क्या किया, मृत्यु सुधारने के लिए क्या किया। जल्दी निर्णय लो, सोचो आदि गुरु शंकराचार्य जैसे महात्मा इतना सतोगुणी, कटु वाणी भी कहते हैं खराब बताइए, पर एक सतोगुणी महात्मा एक दिन जीव को ललकार बैठा कि प्राणी कहाँ पड़ा है, अंगम गलितम बलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपने मुंचति आशा पिंडम, अब भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जीव को ललकारा है,
कि चौथापन आ गया, बाल सफेद होने लगे, आंखों की रोशनी कम होने लगी, कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, फिर भी हाथ में देखो डंडा आ गया, चौथापन आ गया, जर्जर बुढ़ापे ने घेर लिया, प्रेत ऐसा चेहरा हो गया, उसके बाद भी पड़ा है, उठ जाओ। आदि गुरु शंकराचार्य जैसा महात्मा जीव को ललकार रहा है, उठ और भज, भज गोविंदम, 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 गोविंदम, भज मूढ़मते, गोविंदम, भज मूढ़मते, गोविंदम, भज I'm gonna make you mine.
भांति मैंने किया नहीं, फिर मैंने मनुष्य शरीर लेकर के क्या किया। भक्तों निमंत्रण है आज सबके लिए हो। एक राजा कहते हैं राज सुख भोगते भोगते बाल सफेद हो गए। एक दिन उसने अपने राज्य में एक उत्सव रखा, उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए उसने एक प्रसिद्ध नाचने वाली बुलाई। अपने गुरु जंगल में तप कर रहे थे, अपने गुरुजी को ही बुलाया और गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और एक 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 मोहरा से भरी हुई थैली अपने गुरुजी के चरणों में रखी और निवेदन किया, गुरुदेव आपको कहीं ये नाचने वाली का नृत्य अच्छा लगे, आपको लगे इसमें सोने की मोहरे हैं, आपकी इच्छा पड़े इनमें से मोहरे निकाल करके नाचनी वाली को उपहार कर देना। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना सब लोग। नाचने वाली आई, राजा ने नाचने वाली बुलाई। राजा महाराजा आए, क्योंकि राजा के मित्र राजा ही होते हैं। अनेक राजा महाराजा आए और बढ़िया नाचने वाली नाच रही है और बढ़िया उत्सव चल रहा है। गुरु भी बैठे हैं, गुरुजी भी नाचगान देख रहे हैं। राजा की बेटी राजकुमारी भी बैठी है, राजा का बेटा राजकुमार भी बैठा है। सब लोग बढ़िया नाच देख रहे थे। उसी समय कहते हैं नृत्य शुरू हुआ और चलते रहा, रात भर नाच चला। और कहते जब जब कहते गुरु को अच्छा लगता, कुछ मोहरे निकाल के नाचने वाली को दे देते। अब इधर कहते नृत्य चल रहा था और ऐसे धीरे धीरे कहते अमृत वेला हुई, सुबह मंगला वेला हुई। उसी समय नाचने वाली के तबला वाले को नींद आ रही थी, ऊंग रहा था। इधर नाचने वाली की नजर पड़ी कि देखो मेरा तबला वाले को नींद आ रही है, ऊंग रहा है। और राजा देखेगा, राजा राजा होता है ना, जाने राजा कौन सा दंड देंगे मेरे तबला वाले को, कौन सी सजा सुनाएंगे। उसी समय नाचने वाली ने एक दोहा पढ़ा, सब ध्यान से सुनना हो। सोचा क्या करूं, तबला वाला सो रहा है और राजा की नजर पड़ेगी, राजा राजा होता है न जाने कौन सा दंड देगा। उसी समय नाचने वाली ने अपने तबला वाले को होशियार करने के लिए, चेतन बनाने के लिए एक दोहा पढ़ा। बहुत गई थोड़ी रही, ये थोड़ी पल पल जाए, लेकिन एक पल के कारण कहीं ना कलंक लग जाए। जो दोहा सुना उस तबले वाले ने, खट से बढ़िया अच्छा चेतन हुआ और होशियार होकर के बढ़िया तबला बजाने लगा। अब तबले वाले ने दो ऐसे अर्थ निकाला कि मैं ऊंग रहा था इसलिए नाचने वाली ने मेरे लिए ये दोहा पढ़ा है। इधर राजकुमारी ने सुना, राजकुमारी ने अलग अर्थ निकाला। गुरु ने सुना, गुरु ने अलग अर्थ निकाला। राजकुमार ने सुना, राजकुमार ने अलग अर्थ निकाला। जैसे ही तबला वाले ने सुना कि बहुत गई थोड़ी बची, ये थोड़ी पल पल जाए, एक पल के कारण कहीं ना कलंक लग जाए, तबला वाला तबला बजाने लगा। गुरु ने सुना, बिलख पड़ा, रो पड़ा, उठाई सोने की वो मोहरों की थैली और सारी थैली उस नाचने वाली के चरणों में निछावर कर दी कि देखो रे मैं कहां जंगल में तप कर रहा था, साधना उपासना कर रहा था, आज देखो राजा ने कहां बुला लिया, ये नाचने वाली का मुजरा देखने के लिए राजा ने मुझे यहां बुलाया। बहुत गई थोड़ी बची, अरे थोड़ी सी बची थी और कहां बची बचाई में, आज मेरे को यह मोहरा ये मुजरा देखने के लिए बुलाया। गुरु को ने बड़ा दुख हुआ, वो थैली निछावर कर दी। उसी समय बेटी ने दोहा सुना, नौ लखा हार उतार करके नाचने वाली को निछावर कर दिया। बेटे ने सुना,
राजकुमार ने सोने का मुकुट उतार करके नाचने वाली को निछावर कर दिया। ये सब दृश्य बैठा बैठा राजा देख रहा था। राजा ने देखा कि एक दोहे ने, देखो तो इस नाचने वाली ने मेरे बेटा को लूट लिया, मेरी बेटी को लूट लिया, बेटी को लूटा, बेटा को लूटा, गुरु को भी लूट लिया। उस समय राजा सिंहासन से उतरा और नाचने वाली को डांटने लगा, क्योरी नाचने वाली, तूने मेरे गुरु को लूट लिया, मेरे बेटा को लूट लिया, मेरी बेटी राजकुमारी को लूट लिया। उस समय गुरु उठे और राजा को समझाने लगे, राजन ये नाचने वाली आज से मेरी गुरु है, इसे मत डांटो। इसे मत डांटो, ये नाचने वाली मेरी गुरु है, आज मेरी आंखें खोल दी, मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। कहां तप कर रहा था, कहां साधना में, उपासना में लगा था और कहां बुला लिया। बहुत गई थोड़ी बची, ये थोड़ी पल पल जाए, एक पल के कारण कहीं ना कलंक लग जाए, थोड़ी सी बची है। राजन संभाल तेरा नाचगान, संभाल तेरा ये राजपाट, मैं तो जा रहा हूं भजन करने। और गुरु गए, उसी समय बेटी आई और बेटी ने कहा अपने पिता राजा से, पिताजी आप इस नाचने वाली को मत डांटो, इस नाचने वाली के दोहे से मैंने शिक्षा ली है। पिताजी मैं जवान हो चुकी हूँ, अभी तक आपने मेरी शादी नहीं करी है, आज मैं रात्रि में आपके ही मंत्री के साथ भाग करके शादी करने वाली थी, पर इस दोहे को मैंने सुन करके के मेरे हृदय में परिवर्तन आया कि कवि तो राजा विवाह करेंगे, क्यों मेरे पिता को कलंक लगाऊं। पुत्र राजकुमार ने कहा, पिताजी ये नाचने वाली को मत डांटो, पिताजी आपको चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, आपके बाल सफेद होने चले हैं, चौथापन आ गया, आप मुझे राज्य नहीं दे रहे हैं, मुझे राज सिंहासन नहीं दे रहे हैं, राज मेरे अर्पित नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज मैं रात्रि में आपकी हत्या करने जा रहा था, पर इस नाचने वाली के दोहे से मैंने शिक्षा ली कि राजा राजपाट कवि तो मेरे को देंगे, सिर पे तो ले नहीं जाएंगे। इस दोहे से मैंने ये शिक्षा ली कि बहुत गई थोड़ी बची, ये थोड़ी पल पल जाए, न एक पल के कारण कहीं ना कलंक लग जाए। जो राजा ने सुना कि मैं तो नाच गान देखते रहा, नाचने वाली का ठुमका देखते रहा, तबला वाले की तान देखते रहा, पर गजब रे मेरी बेटी ने और मेरे बेटा ने, गुरु ने क्या शिक्षा ली। धिक्कार है मेरे इस राज सिंहासन को और मेरे जीवन को कि मैं इस मुजरा में लगा रहा और मेरी बेटी ने, मेरे बेटा ने, मेरे गुरु ने इससे भी शिक्षा ली। उसी समय तत्क्षण राजा ने सुंदर वर देख करके राजकुमारी का विवाह कर दिया। तत्क्षण जो है राजकुमारी को राज सत्ता दी और राज सुख को प्रणाम किया, निकल पड़ा, जहां मेरे गुरु गए हैं वही मैं जाके भजन करूंगा। जब कहते राजा भी कहते राजपाट छोड़ के चला गया, उस समय नाचने वाली के मन में विचार आया कि मेरे इस दोहे से देखो ये सब सुधर गए, बेटी मंत्री से विवाह करने जा रही थी, उसने देखो विवाह नहीं रचाया, राजकुमार बाप की हत्या करने जा रहा था राजा की, उसने हत्या का विचार बदल दिया, गुरु ने सोने की मोहरे छोड़ी, थैली छोड़ी, नाचने वाली को देके चले गए। नाचने वाली के मन में विचार आया
कि सब सुधर गए, सबके विचार शुद्ध हो गए, पर मेरा मेरा विचार शुद्ध क्यों नहीं हुआ। उसी समय नाचने वाली रो पड़ी भक्तों, रो पड़ी, गई गिरधर के मंदिर में, गोपाल के चरणों में माथा रखा और प्रार्थना करी, हे गोपाल दुनिया को रिझाने नाचते रही गाते रही, हे गोपाल तेरे से बहुत दुखी, तेरे से बहुत दूर रही, तेरे से बहुत विमुख रही, चरणों में सिर रखा प्रार्थना करने लगी, हे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे देंगे, मोहन हम भी तुमको दिल दे देंगे, thank you।
है। सोचो रे भाई बहनों, निमंत्रण है, आ जाओ। सोचो जो करना थी मैंने किया नहीं, फिर मैंने मनुष्य शरीर लेकर के क्या किया। कोड है, इसे ध्यान रखना। बेटी का विवाह करते हैं, कितना पछते हो, कितना दहेज देते हो, कितनी व्यवस्था करते हो। सूचना मिली, लड़का कह रहा है पहले तो रूप रंग देखा, गुड़ मिलवाए, रास वर्ग मिला, इनकी घर भी अच्छा है, बर भी अच्छा है, चलो ठीक है। घर भर जम गया, गुड़ मिलवाए, गुड़ भी मिल गए। शादी की तिथि निश्चित हुई। जैसी शादी की तिथि निश्चित हुई, फिर सूचना मिली कि लड़का की इच्छा है कि चार पहिया गाड़ी होती। लड़की वालों की यहां सूचना आई कि लड़के की ऐसी इच्छा है कि चार पहिया गाड़ी होती। पीर घर पे सलाह हुई, रे घर भी अच्छा है, बर भी अच्छा है, खानदानी है, और लड़का बढ़िया नौकरी पे सर्विस में, चलो दे देते जैसे बने वैसे, हिम्मत करते हैं, गाड़ी के लिए तैयार हुए। फिर सूचना मिली इनकी लड़के की इच्छा है कि टीका में एक चैन भी हो जाती। लिस्ट आते जा रही, ध्यान रखना हो लड़के वालों के हाथ से। पहले कार की मांग थी, इनकी कार होती तो थोड़ा अच्छा लगता, लगता कि संबंध हुआ कहीं। लड़की वालों ने हिम्मत बनाई, चलो ठीक है गाड़ी दे देंगे। फिर सूचना मिली, लड़का कह रहा टीका में चैन होती, इनकी चलो ठीक है रे चैन भी दे देंगे। फिर सूचना मिली कुछ नगद नारायण भी होता कैश। सोचा चलो ठीक है चैन भी देंगे। बेटी का विवाह करते हैं, कितना देते हैं दहेज में, कितना करते हैं। भले ही माता पिता बेचारे कर्ज करें, जमीन सिकमी दें, प्लाट बेचे, मकान बेचे, पर चिंता केवल एक बात की है कि बेटी अच्छी जगह चली जाए। बेटी अच्छी जगह चली जाए, हम कितना पचते हैं, कितना करते हैं। पर व्यासपीठ आपको संदेश दे रही है, सोचना जरूर है भाई बहनों। शिव पुराण की कथा सुन लेना, भागवत की सुन लेना, नर्मदा पुराण सुन लेना, खूब सुनना। पर बात यह है कि बेटी की शादी करते हैं, हम कितना देते हैं, कितना दहेज देते हैं, कितना कितना करते हैं। और केवल एक ही इच्छा माता पिता की, भाई बंधुओं की, कि बेटी अच्छी जगह चली जाए, बेटी अच्छी जगह चल जाए, हम कितना देते हैं। ऐसे आत्मा परमात्मा के चली जाए, आज तक आपने हमने क्या किया, आत्मा के लिए क्या किया। बेटी के लिए तो खूब पचे, किया कुछ आत्मा के लिए। ऐसे यदि ये कथाएं सुनेंगे भक्तों तो आपके हमारे घट में उतरेगी, नहीं तो ये जैसी लिखी वैसी बातें सब लोग सुनेंगे और चले जाएंगे बढ़िया धूल झड़ा कर। एक गांव में एक व्यक्ति स्नान करने गया नदी पे। गांव में नदी थी, साथ में कहते 8-10 साल का बच्चा भी चला गया साथ में। अब पिता ने कपड़े उतारे, कपड़े उतार करके बढ़िया स्नान बनाने लगा। और जैसे बच्चे की नजर पड़ी, पिताजी स्नान बना रहे हैं, जैसे ही बच्चे ने देखा, पैरों में जूते पहना, कपड़े पहने और पानी में घुस गया। अब गहराई से अपरिचित था, पानी से अपरिचित था, नदी से अपरिचित था। जैसे ही पानी में पानी में डूब गया। जब उस पिता को मालूम हुआ कि मेरा बच्चा पानी में डूब गया, उसी समय
और रोते विलगते किनारे पे जो लोग नहा रहे थे उनके पास गया, भैया मेरा बच्चा पानी में डूब गया रे, पानी से मेरे बच्चे को निकाल दो। अब गहराई में बच्चा डूबा, कौन जाए, खुटियाल जगह घाटी ऐसा था जो जहाँ स्नान करने के लिए गया था। और रोते भी लगते सबसे कह रहा, भैया मेरे बच्चा पानी में डूब गया, बच्चे को पानी से निकाल दो। उस समय कहते हैं सब लोगों ने कहा, हम तो गहराई में नहीं घुस सकते, हम पानी में नहीं घुस सकते, हम तैरना नहीं जानते, पर यहाँ ये गोताखोर रहता है, तू एक काम कर वहां चला जा। अब मरता क्या नहीं करता भक्तो, दौड़ते हुए गया मछुआरे के पास, उस गोताखोर से कहा, भैया मेरा बच्चा पानी में डूब गया, पानी से निकाल दे तो तेरी बड़ी कृपा होगी। उस मछुआरे ने, उस गोताखोर ने सुना तो कहा कि मैं तेरे बच्चे को पानी से बाहर निकाल दूंगा, पर मैं रुपया 5,000 लूंगा। पर जैसे ही इसने सुना कि चलो ठीक है रुपया 5,000 लेगा, पर मेरा बच्चा तो पानी से बाहर आ जाएगा, मरता क्या नहीं करता भक्तो, कहा मैं तुझे 5,000 दूंगा, बस मेरा बच्चा पानी से बाहर निकाल ला। गया गोताखोर, गोताखोर होता है, मारा गोता, लाया बच्चे को निकाल करके पानी से बाहर, और कंधे पे बालक है। और जैसे ही इस बाप की नजर अपने बेटे के ऊपर पड़ी, और जैसे कलाई पे नजर गई, और ये बोराया चिल्लाया, अरे मेरे बच्चे के हाथ में टाइटन की घड़ी थी 3,500 की, घड़ी कहाँ है? घड़ी कहाँ है? कोई 3,500 रुपया नहीं दूंगा, 3,500 काट के दूंगा। मेरे बच्चे के हाथ में कलाई में 3,500 की घड़ी थी। फिर और धीरे धीरे बच्चे की तरफ देखते देखते नजर बच्चे के पैरों पे गई, इनकी 1,500 रुपया के जूता भी थे इसके पैर में, कोई 5,000 रुपया नहीं देंगे। देखने वाले देख रहे, सुनने वाले सुन रहे, क्या पागलपन कर रहा है, हीरा जैसा बच्चा वापिस पानी से बाहर आ गया और बच्चा भी जिंदा है, देखो क्या पागलपन कर रहा है। रुपया थी 5,000 रुपया की बात थी, और क्या 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 पागलपन कर रहा है कि 5,000 रुपया नहीं दूंगा। ध्यान रखना रे भाई बहनों, हमने भी जिंदगी भर दौड़े हैं, जिंदगी भर दौड़े हैं, कोई जूता बचा रहा है, कोई रकम बचा रहा है, बचा लो रे भाई बहनों, जल्दी से निर्णय लेना, एक कथा में बैठ के हीरा जैसा बेटा बचाना है कि घड़ी जूता बचाना है, जल्दी बोलो फिर आगे चलें। क्या बचाना है? हीरा जैसा बेटा बचाना है कि जूता घड़ी? और हम इसी में पच रहे गधे की तरह, यही बचाते फिर रहे हैं, कोई राई नॉन बचा रहा है, कोई गैस बचा रहा है, और कोई 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 क्या क्या बचा रहा है, सब जानो सब उस्ताज हो, आगे कर लेना कथा पूरी, पर सब बचा रहे हैं। ध्यान रखना रे भाई बहनों, जूता बिना जी लोगे, घड़ी बिना जी लोगे, पर बिना भगवान के बिना नहीं जी सकोगे भक्ता। इसलिए उस हीरा को मत छोड़ देना, ये हीरा को मत छोड़ देना, ये नश्वर वस्तुओं के चक्कर में उस अनमोल रतन को मत छोड़ देना। निवेदन है भाई बहनों, निमंत्रण है आज आपके लिए, निमंत्रण है, सौगात दे रही है व्यासपीठ, ये हीरा है, इस हीरा को मत छोड़ देना। कैसी लगे आप जानो, पर कथा अपनी मुद्रा में सुनना प्रेम से हो। 100 साल की आयु प्राप्त करी, सोचो और जल्दी निर्णय लो कि मैंने 100 साल की आयु प्राप्त करी, मैंने क्या तो गमाया और क्या बचाया, जल्दी निर्णय लो। लो सब लोग आप ही मन में सोचो, मैंने कहां कहां गमा दिए, कंचन काया को मैंने कहां कहां गमाई है। सब लोग अपने अपने हृदय पे हाथ रख के देख लो आज कथा में कि मैंने कहां गमा दी। और सत्य बात सुनने आए हो, शिव पुराण सुनने आए हो, तो ध्यान से सुनना, ये 100 साल की आयु प्राप्त करी है। ध्यान रखना, जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हो
तीन घंटा सुनोगे, आसन पे बैठ के भजन करते हो, सुंदर कांड करते हो, गीता का पाठ करते हो, गायत्री जपते हो, भजन पूजन करते हो, यही आपकी हमारी सच्ची बचत है। बकाया जो भोग विलास में संसार के सुखों में गमाई, ये तो गई साल डूब में, डूब में गई, डूब में सब डूब गई। यही हमारी सच्ची बपोती है, यही हमारी सच्ची बचत है, जो बैठ करके बज रहे हो, पूज रहे हो, उसे सुन रहे हो, यही हमारी सच्ची बचत है। तो एक गांव में नदी किनारे गांव था, पानी खूब गिरा, बाढ़ आई, अब बाढ़ आई पूरा गांव बाढ़ से ग्रस्त, सबके घरों में पानी भरा, सब लोग अपनी अपनी जान बचा के अपने अपने सेल्फों पे बैठे, छत पे बैठे, और सब लोग यही सोच रहे भगवान पानी कब उतरे, अब सब बैठे बैठे यही इंतजार कर रहे। पर उनमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, देवी पूरा गांव डूब जाए पर काशी राम का घर नहीं डूबना चाहिए। पत्नी ने सुना कि काशी राम का घर तो नदी के किनार पे और अपना मकान इतने ऊंचे पे, सबसे ऊंचे पे अपना मकान, और अपने घर में सेल्फ से पानी लगाए, स्वयं डूब रहे हैं, पर एक तो बताओ तुम्हें काशीराम की इतनी चिंता क्यों है। जैसे ही पत्नी ने पूछा तुम्हें काशीराम की चिंता क्यों है, तो इस भले मानस ने कहा, तुझे मालूम नहीं है मैंने उसे 10,000 रुपया 5 रुपया सैकड़ा के दिए हैं, वो 10,000 रुपया वापिस लेना है। पर जैसे ही पत्नी ने सुनी रो पड़ी, अरे स्वामी अपन खुद डूब रहे हैं, जब अपन बचेंगे जब जाके तो वो 10,000 काम आएंगे। दूसरे की चिंता छोड़ो और चिंता अपनी करो भक्त। कितना बचा हूं, कितना डूब चुका हूं इस संसार सागर में। देख लो सब लोग अंदर आत्मा में उतर के, कितना बचा हूं और कितना डूब चुका हूं। दूसरे की छोड़ो, अपने अपने अंदर झांक के देख लो। जो लोग कहते हैं ना कि मैंने बेटा पैदा किया है, आज कान खोल के सुन लेना, तुम्हारे हमारे बाप की ताकत नहीं बेटा पैदा करने की। और जो कहते हैं कि मैंने बेटा पैदा किया, ध्यान रखने आपने हमने बेटा पैदा नहीं किया, एक क्षण के भोग से एक क्षण के काम से बेटा पैदा हुआ है, आपने हमने बेटा पैदा नहीं किया। जो बहनें कहती हैं इसी औलाद के लिए, इसी बच्चे के लिए मैं रात रात जागी, स्वयं गीले में सोई, इसको सूखे में सुलाया, सब बहनों से प्रणाम करके हाथ जोड़ के निवेदन है, जो कहती हैं कि मैं गीले में सोई इसे सूखे में सुलाया, ध्यान रखना गलत है ये। ना तो तुम सूखे में, ना तो बच्चे को सुलाया है, और ना आप गीले में सोई हैं। आपने बच्चे को सूखे में नहीं सुलाया, आप गीले में नहीं सोई, आपके मोह ने आपको गीले में सुलाया है। फोकट की बात करते हैं, मैंने बेटा पैदा किया, मैं इसके लिए रात रात जागी। ध्यान से सुन लेना भाई बहनों, ये वैराग्य भरी कथाएं हैं, और हो सके अच्छी लगे तो रोज आया करो सुनने, और आते हो शौकीन हो तो समय से आ जाया करो। ध्यान रखना बेटा, हम बेटा पैदा कर सकते हैं, तुमसे चारा ना आटा ना पैसा नहीं छूटे, तुम गीले में सोगी।
हम गीले में नहीं, मोह ने गीले में सलाया है। जो बैठ के सुन रहे हैं, जप रहे हैं, यही आपकी हमारी सच्ची बचत है। बैठ जाओ, इसी के सामने माथा टिका दो रे भाई बहनों, इन्हीं पे भरोसा करो, यही काम आएगा। देख लिया कोरोना में गया था कोई हाथ लगाने, बेटा बाप को छूने को तैयार नहीं, बाप बेटा को छूने को तैयार नहीं। सीधी सीधी कथा है, उतर जाए घट में तो आना, और निवेदन है आगे आपकी मर्जी। यहाँ किसी का कोई नहीं है रे भाई बहनों, जो भी है सबका परमात्मा है, उसी से आज संबंध कर लेना। और यदि आत्म संबंध करने आओ, ब्रह्म संबंध करने के लिए आओ, तो भगवान की कथा में आया करो। व्यवस्था देखने, प्रसाद देखने, चेहरा देखने नहीं, ब्रह्म संबंध करने के लिए। कल कोई पूछे कहाँ जा रहे, कह देना कथा सुनने नहीं जा रहा, फिर ब्रह्म संबंध करने के लिए जा रहा हूं। किनका? आत्मा का। किन से? ब्रह्म से संबंध करना मुझे। बैठ जाओ इन्हीं के पास, बैठ जाओ इसी के चरणों में। और दूसरा ध्यान रखना, भजन करते हो, भगवान की कथा सुनते हो, तो भले ही भजन कम करना, पर भगवान पे भरोसा ज्यादा करना। भले ही भजन कम रह जाए, पर भगवान पे भरोसा ज्यादा करना। और हम क्या करते हैं, भजन तो कर रहे हैं पर भगवान पे भरोसा कम करते। थोड़ी बहुत मुसीबत आए, कई लोगों ने माला छोड़ दी, कई लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया। काय का भगवान, काय का भगवान, इतने दिन से पूछ रहा हूँ बेटा नहीं हुआ, इतने दिन से पूछ रहा हूँ बेटा की नौकरी नहीं लगी, इतने दिन हो गए बेटी का संबंध नहीं जुड़ा, इतने दिन से पूछ रहा हूँ काय का भगवान, अरे काय का भगवान। कई लोगों ने 16 सोमवार छोड़ दिए, कई ने गीता छोड़ दी, उपवास छोड़ दिया, पूजन छोड़ दिया। पर निवेदन है भाई बहनों, भजन से पहले एक बात का ध्यान रखना, भजन कम करना भले ही, पर भगवान पे भरोसा ज्यादा करना, क्योंकि भगवान भरोसे की वस्तु है। ये 252 भक्तों ने भजन भले ही थोड़ी बहुत कम रखा, पर देखना इनने भरोसा ज्यादा किया। पलटू को इसी अयोध्या में कांच पीस करके खिलाए, पर उसने कह दिया मेरा रघुनाथ मेरे साथ है। मीरा को परिवार वालों ने जहर दिया, उसने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। कितना भरोसे से कह गई, साहब चित्तौड़ की राजरानी थी, क्षत्रिय राजपूताना घड़ा था, पर राजपूतों के बीच में कह गई, एक साफ लुंगड़ा वाली कह गई, या मूछ वाले बैठे रहे, और लुंगड़ा वाली भाव से पार हो गई, साफ पार हो गई। और हम अभी तक बैठे ताली बजाते रहे, देखते रहे राजे गोविंद राजे गोविंद राजे। प्रहलाद को बाप ने पहाड़ से फटका, हाथी नीचे कुचवाया, काल कोठरी में भूखा बंद कर दिया, और जब निकाला तो ये छल्ला से गाल। और बाप हिरण्यकश्यप ने पूछा कि अरे प्रहलाद, एक तो बता, मैंने तेरे को पहाड़ से पटका, मैंने तेरे को हाथी से कुचवाया, तुझे मैंने जहर दिया, मेरी बहन होलिका को ढूंढा देवी ने चुनरी दी थी कि जब तक तेरे शरीर पे चुनरी है, जब तक तुझे आग स्पर्श नहीं कर सकती, मैंने तुझे जलाने की कोशिश करी और मेरी बहन होलिका जल गई, पर तेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। एक तो बता रे, तेरे को काल कोठरी में मैंने भूखा बंद किया, तेरे को अब किन्ने भोजन पहुंचाया? पिताजी यदि सही बात पूछो तो बताऊं, पिताजी आपने इस काल कोठरी में बंद किया, और पूछ रहे हो कि तेरे छल्ला से घर और शरीर पुष्ट है, तेरे को यहाँ भोजन कहाँ से मिल रहा था? पिताजी आप ही मेरे से पूछ रहे हैं, तो मेरा उत्तर दे दो कि माँ के गर्भ में था उस समय किसने भोजन पहुंचाया था, किसने टिफिन पहुंचाया था?
पिताजी दांत न थे जब दूध दियो, दांत दियो तब अन्न दई, जीव वसे जल में थल में, उनकी सुध ले वो तेरी भी ले, वो जान को दे अजान को दे, वो सारे जहान को दे, तो तुको भी दे है। तू क्यों सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न गे है। दांत न थे तब दूध दियो, नाता दांत दिया दूध माँ को, खबर है प्रभु को सबर जो धरेगा, तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, अरे जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। भजन में कमी रह जाए पर भरोसा। एक भाई की शादी हुई, दोनों पति पत्नी लौट रहे थे, बीच में एक नदी पड़ती थी। अब दोनों नदी में तैर के तो जानते नहीं थे, नौका में बैठ के नदी पार कर रहे थे। उसी समय अचानक तूफान आया, नाव डगमगाई, और जैसी नाव डगमगाई और वो जिसकी शादी हुई थी वो भाई खिलखिला के हंसने लगा, खूब देखो तो खिलकारी दे रहा है। पत्नी घबरा रही, बार बार कह रही, तूफान आया, क्या होगा। अरे तुम तो बिल्कुल देखो चिंता ही नहीं कर रहे, डर भी नहीं है, नौका देखो भंवर में है, आसपास घूम रही है, चारों तरफ देखो तो भंवर में पड़ी है, क्या होगा। उस समय इस समय भाई ने देखा ये बहुत डर रही है, उसी समय अपने कंधे से तलवार टंगी थी, निकाली म्यान से तलवार, उठाई तलवार और अपनी पत्नी की गर्दन पे तलवार रखी। उस समय वो पत्नी खिलखिला के हंस पड़ी। फिर पति ने पूछा, क्यों तेरे को तलवार तेरे गर्दन पे है, तुझे डर नहीं है कि मेरा मस्तक कट जाएगा। उस समय पत्नी ने, स्वामी मैं जानती हूँ आप मेरे से इतना स्नेह करते हैं, आप मुझे मार ही नहीं सकते। जैसे ही उस भाई ने सुना तो कहा, जब तेरे को मेरे पे इतना भरोसा है कि आप मुझे इतना चाहते हैं, आप मुझे नहीं मार सकते हैं, तो ये तूफान परमात्मा के हाथ में है और परमात्मा मेरे से इतना प्रेम करते हैं, मेरी नाव कभी पानी में डुबा ही नहीं सकते। भजन करो भरोसा। एक नाई पे इतना भरोसा करते हो, सबसे ज्यादा धारदार शस्त्र होता है तो नाई के पास होता है, पर नाई पे भरोसा करते हो तो माथा टेका देते हो। ध्यान रखना, नाई तो बाल काटेगा भक्तों, बस परमात्मा के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाओ, माथा टेका दो, नाई बाल काटेगा, परमात्मा आपके हमारे पापों को काटेगा। पर बात वही है, भरोसा हो तो बैठना और कहना, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पर बारी भरी है पाप की बटेरी,
यदि भगवान पे भरोसा करते हो और यदि ऊंचा हाथ उठाया है तो ध्यान रखना, जो हाथ उठाया है ध्यान रखना, हम भव सागर में वो कभी नहीं डूबने देगा। भगवान के हो जाओ और भगवान के बन के भगवान के चरणों में बैठ जाओ, नहीं तो एक दिन की बात है भक्तों, एक भेड़ चराने वाला भेड़ चराने आया और एक भेड़ कहीं झाड़ी में उलझ गई। सब ध्यान से सुनना, बस से पुराण में चल रहे हैं। अब वो भेड़ झाड़ियों में उलझ गई और भेड़ चराने वाला भेड़ लेके सामने के सब भेड़ों को घर आ गया और एक भेड़ झाड़ी में उलझी रही। उस भेड़ को प्यास लगी, रात्रि का समय तड़पती रही बेचारी।
जैसे तैसे कहते वो झाड़ी से निकली, सामने सरोवर था, पानी पीने के लिए गई। जैसे ही पानी पिया उसने शेर के पंजों के निशान देखे, देखते ही पत्ते की तरह कांप गई, चारों तरफ देखने लगी, न जाने कहां बैठा होगा, एक ही ओंकार में डकार जाएगा। पर जैसे ही उसने पंजों के निशान देखे, जैसे ही शेर के पंजों के निशान देखे, वो पंजे के निशान देख करके वहीं बैठ गई। कौन? भेड़। अन्य जंगल के हिंसक प्राणी पानी पीने आए, पर इस भेड़ को देखते, अब पशु पशुओं की भाषा को समझते हैं सब अपनी अपनी भाषा। जैसे ही भेड़ को बैठे देखा, उस समय वो हिंसक प्राणी आए, उनने पूछा, क्यों कैसी बैठी है, तेरे को डर नहीं है? इनकी जो जंगल का राजा शेर है ना, मुझे यहाँ नियुक्त करके गया है। हिंसक प्राणी सोचने लगे कि जंगल का राजा शेर इसे यहाँ बैठा के गया है, नियुक्त करके गया है, कौन छेड़े शेर की अमानत को? सब भेड़ बकरी को हाथ जोड़ जोड़ के जा रहे थे, डरने रही भेड़ को हाथ जोड़ के कह रहे सब लोग कि धन्य है शेर ने तेरे को यहाँ नियुक्त। रात भर जंगल के हिंसक प्राणी आते रहे, पानी पीते रहे, पूछते रहे, इस भेड़ से जाते रहे, पर सुबह सुबह जैसी सूर्य का लालिमा छाई है और सुबह सुबह उजाला हुआ, उसी समय कहते हैं शेर आया। शेर की नजर पड़ी, भेड़ को मेरा डर नहीं है, निश्चिंत बैठी है, चट्टान की तरह अचल बैठी है। शेर उस भेड़ के पास आया, पूछा, तू एक तो बता, ऐसा निर्जन वन, ये सरोवर के किनारे तू बैठी है, तेरे को कोई हिंसक प्राणियों ने परेशान नहीं किया? उस भेड़ ने शेर से कहा, रात भर हिंसक प्राणी आते रहे, मेरे से पूछते रहे, पर उस भेड़ ने शेर से कहा, राजन, मैंने आपके पैरों के निशान देखे और पैरों के निशान देख के मैं बैठ गई, और जो जो आए मैं सबको बताते रही कि शेर ने मुझे यहाँ बैठा के गए हैं, नियुक्त करके गए हैं। वो आते रहे, वो पूछते रहे और जाते रहे। राजन, में आपके चरणों का ही ध्यान करते रही, आपका ही ध्यान करते रही, आपके पंजों के निशान देख बैठी रही, और शेर ने सुना कि मेरे पे तेरे को इतना भरोसा कि तू मेरे पैरों के सहारे रात भर बैठी रही, हिंसक प्राणी आवे और उनसे कहती रही कि राजा मुझे नियुक्त कर गए, यदि मुझ पे इतना भरोसा रखती है। उसी समय शेर ने, जंगल का शेर ने जो है हाथी बुलवाया और हाथी से कहा, रे हाथी, इस भेड़ को अपनी पीठ पे बैठा के एक बार तू जा, पूरा जंगल का दर्शन करा ला, और जा हरी हरी कोपल खिला के ला। वो बेचारा गया, राजा का आदेश था, आज वही बकरी वही भेड़ देखो हाथी की पीठ पे बैठ के जंगल की वनस्पतियों की कोंपल खा रही है कि खोज पकड़ बैठी रही, सब ध्यान रखना, खोज पकड़ बैठी रही, न धनी मिलेंगे आए, अज या गज मस्तक चढ़े, ने निर्मल होकर खाए। हाथी की पीठ पे बैठी है, निर्भय होकर के कोंपल खा रही है।
भेड़ ने शेर पे भरोसा किया, चरणों का सहारा लिया, पंजों के निशान देख के बैठी रही। और सबसे निवेदन है, यह कथा में आए हो और सुन रहे हो, आज तक किसी ने नहीं कहा कि भगवान के मुख का ध्यान करो। जहाँ जहाँ सुनने को मिला होगा, एक ही मिला होगा कि भगवान के चरणों का ध्यान करो, चरणों का ध्यान करो, क्योंकि जिमि हरि शरणना एकौ बाधा, सुखी मीन जै नीर बगाला। जो मछली मछुआरे के पैरों में रहती है, वो कभी जाल में नहीं फंसती। आया कोई सदगुरु और मछली से मिला और मछली से कह गया, मछली तू गंगा में रे, तू नर्मदा में रे, तू तालाब में रे, पर सुन ले, जब कोई मछुआरा आए, जाल लेके आए, जाल फेंके, उसके पहले दौड़ के तू उसके पैरों में चली जाना। जो मछली मछुआरे के पैरों में है, वो कभी जाल में नहीं फंसती है। जो अनाज का दाना घट्टी के खीले से चिप रहा है, पाट में नहीं पिसाता, पीसने वाली दिन में पीसे, रात में पीसे, अकेली तक जाए देरानी जेठानी मिल करके पीसे। तो चलती चक्की देखकर, सुन ले नरे भाई बहनों, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, न दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। एक दिन कबीर आ रहे थे और किसी सुहागन बहन को कहते घट्टी पीसते देखा, वो गेहूं डालते जा रही, पीसते जा रही। उस समय कबीर की नजर पड़ी, रो पड़े, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, न दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीर रो रहे थे, उसी समय उनके पुत्र कमाल आ रहे थे और कमाल ने अपने पिता कबीर को रोते हुए देखा, आवाज लगाई, पिताजी चलती चक्की देखकर क्या रो रहे हो, चक्की चले तो चलने दे, पिस पिस आटा होए, ने पकल मलीना बैठ जा तो बाल ना बाका होए। जो मछली मछुआरे के पैरों में है, वो कभी जाल में नहीं फंसती है। जो अनाज का दाना घट्टी के कीले से चिपका है, ध्यान रखना, वो कभी पाट में नहीं पिसाता है। तो जो जीव भगवान की शरण में है, वो कभी यमदूत की चपेट में नहीं आता है। भरोसा ठाकुर के भरोसो मोहे, 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 ठाकुर के भरोसो भरोसा।
कथाएं सुनेंगे तो जीवन में ये कथाएं असर करेंगे। आगे शिव पुराण में कथा आती है कि कांपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे। सबका ध्यान बिल्कुल शांति से, कोई आए कोई जाए आपको कोई मतलब नहीं, यहाँ केवल आपको भगवान से मतलब रखना। और दूसरे यदि कोई बुरा नाम माने तो एक बात कह दें, ये आर्य तुम बाद में आओ, स्वागत है, हृदय से स्वागत है, व्यासपीठ आपका इंतजार कर रही है, पर आओ तो सुनने आते तो चुपचाप आके बैठ जाया करो, क्योंकि हमारी एकड़ी कहीं दूसरी जगह बसी रहती। ठीक है, तुम आ भी जाओ तो कोई फर्क नहीं है, व्यासपीठ पे ना भी आओ तो कोई अंतर नहीं, पर सुनने आए हो, कोई बात चल रही है, क्योंकि हम पूरी पूरी पेवर तो दे नहीं सकते, क्योंकि दूध बेचने वाला भी देख लेता है, भले ही मौसी के यहाँ दूध जाए एक बूंद तो पानी डाल ही देता है, नहीं डाले तो दूध बेचने वाला देख लेता है कि दूध बेचूं की दही बेचूं की घी बेचूं की मावा बना के, तो हम भी देख लेते यहाँ आके कि क्या क्या बना के बेचे, कि पेवर वाले बैठे हैं कि मिलावट वाले बैठे हैं, क्योंकि पेवर वाले तो साहब जो भगवान के अनुरागी हैं, समय से पहले चलो रे एक बज गई पंडाल में आके आसन पे बैठ जाते हैं, अपने यही रिवाज है 2-3 बजे आने का, पर इसमें आपकी गलती नहीं भक्तों, ये हमारी गलती है, क्योंकि हमने भी वही राजनेताओं का 1 बजे का समय चले आ रहा है 4-5 बजे तक। हम यदि ये व्यासपीठ को यदि भगवान का मंदिर मानते और भगवान पुराण पुरुषोत्तम को साक्षात परमात्मा मानते,
तो अपनी समय से ड्यूटी निभाते हैं। अपने क्षेत्र में कैसी कथाएं होती हैं आप सुनते हो, पर पिछली बार ये लामटा गांव है पास में, अब क्या मालूम वहां के लोगों को मालूम। एक तो हमारा सिद्धांत है कि हम अपने रिश्तेदारों को फोन नहीं लगाएं, किसी को नहीं लगाएं, सब हम तो अपने वही कृष्ण नाम की चदरिया ओढ़ और बस उसी के गुण गाने निकल पड़े हैं। आए कोई आए शौकीन भगवान की कथा सुने, पर इतना निवेदन है कि यदि कोई अच्छी बात निकले और हमारी कथा कथा नहीं है, हम तो संदेश दे रहे हैं, आप सुधरे, परिवार सुधरे, बेटा में परिवर्तन, बहू में परिवर्तन, देश युग सुधरे, सब सुधरे, कथा सुन सुन के सुधरे। हमारे ग्रंथों में हमारे महापुरुषों ने क्या लिख गए, जिन ऋषि मुनियों ने अपनी निजी साधना छोड़ी और इन जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने ही 18 ग्रंथों की रचना करी, और हम फोकट में वही आटे का प्रसाद और प्रसाद के लिए तरसते रहे, और दुनिया की अडंबर में ऐसे कथा भगवान की कथा होती है। समय से आओ, प्रेम से भगवान की कथा सुनो। एक बात का ध्यान रखना, शिव पुराण की कथा सुनने आए हो, बैठ जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो, सुनते रहो। भगवान दयालु है, पुत्र नेत्रधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, बागंबर पहने, उसको परम बैरागी, किसको क्या दे दे भक्तो। आओ, एक शकुनी का पुत्र बृकासुर यदि कहीं तप कर रहा था, देव ऋषि नारद से पूछ लिया कि तीनों देवों में, तीनों लोकों में शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता कौन है, इनके यही ओगड़दानी। यही भगवान सदाशिव तो मस्तक काट काट के कहते हैं, चढ़ाने लगा भगवान, भूत भवन प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को इनकी, ऐसा कंगन दे दो कि जिसके माथे पे हाथ रखूं जल के भस्म हो जाए। कट पागल को मांगना भी नहीं आया, भगवान भूत भवन मिले, प्रत्यक्ष दर्शन दिए, वरदान मांगने को कहा तो कहने लगा ऐसा कंगन दे दो जिसके हाथ रख दूं जल के भस्म हो जाए, और मांगता तो ये मांगता कि हे भूत भवन ऐसा दे दो, ऐसा कुछ दे दो कि मेरे अंदर जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, राग है, दोष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये जल के भस्म हो जाए। लोग पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, भगवान मिल भी रहे भक्तों को, पर इनको मांगना नहीं आता, क्या मांगना चाहिए, ये दुनिया की नश्वर चीज है। कोई विचार आ जाए इनकी चुनाव जिता देना, कोई कह रहा है और कोई कोई व्यापार, और कोई कोई सब सब बैठे सब तरह के, क्या मांगना चाहिए। भगवान से ध्यान रखना, संसार में कुछ नहीं मांग सकते, पर भगवान से उसकी भक्ति डकार के मांग सकते हैं। इतने आए तुम कथा सुनने, बताओ यदि कोई संबंध आने जाए, पहली बार दमान ससुराल जाए, मांग सकता कुछ मुझसे, समझी जाए, मांग सकते हैं, और मांगेंगे तो सामने वाला क्या कहेगा, काका भुकमर आ गया। मेहमानी में कुछ नहीं मांग सकते, पर एक चीज है डकार के मांग सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बोलो जोर से, बोलो बोलो जोर से, बोलो तेरे यहां सुनाई तो पड़े। चाहे पहली बार दमन ससुराल जाए, चाहे पहली बार समधी समंध आने जाए, कुछ नहीं मांग सकते, ना दही मांग सकते, ना पापड़ मांग सकते, ना अचार मांग सकते, कुछ नहीं मांग सकते, पर एक चीज है खट कह देंगे, लाओ तो थोड़े कम पड़ रहा है। ऐसे हम भी इस संसार में आए हैं, भगवान ने थाली सजाई है, जो अपने भाग्यवश पत्नी पुत्र मकान दुकान दे दिया, हम भगवान से अन्न कुछ नहीं मांग सकते रे भक्तों, परमात्मा से भी मांगने के लिए है तो केवल एक ही चीज है, और वो है उसकी भक्ति।
भक्ति तो भगवान से जिद करके मान सकते हैं। कौंपिल नगर में यज्ञ दत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण थे, सभी यज्ञों के ज्ञाता थे, विद्याओं से पारंगत थे। उनको कहते एक गुणनिधि नाम का पुत्र था। सब ध्यान से सुना, यज्ञ दत्त नाम के ब्राह्मण के यहां गुणनिधि नाम का पुत्र था। पुत्र भी सभी विद्याओं से पारंगत था, पर कुछ जीवन में ऐसा संग पाया, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। उस गुण निधि की कहते कोई जुआरी से मित्रता हो गई, जुआ सट्टा खेलने लगा, जुआ सट्टे में चारा बाप करे कथा करे और बेटा इधर जुआ सट्टे में लगाए। ध्यान से सुनना सब लोग, प्रेम से आओ इधर ध्यान देना सब लोग। एक बेटा, बाप का अरमान था कि जैसे मैं यज्ञ करता हूँ सभी विद्याओं से विभूषित हूँ, ऐसा मेरा बेटा निकलता। कहते बेटा विद्याओं से तो पारंगत था, पर संग ऐसा पाया कि जुआरी बन बैठा। एक दिन कहते हैं एक बेटा, जब जब वो यज्ञ दत्त ब्राह्मण घर आते अपनी पत्नी से पूछते क्यों गुणनिधि नहीं दिख रहा, पर माँ उसके अपराध को छिपाती रही, उसकी गलतियों को छिपाती रही। बस जब जब वो उसके पिता आते यज्ञ दत्त पूछते आज गुणनिधि नजर नहीं आ रहा, और कह देती कभी कहती वो पूजा करने मंदिर गया, कहीं कहती कथा करने गया, छिपाती रही और वो जुआ सट्टा खेलते रहा। भक्तों ध्यान रखना, माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु है, माँ का गर्भ बच्चे की प्रथम पाठशाला है और माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु है। माँ चाहे तो बेटे को संत बना दे और माँ चाहे तो बच्चे को डाकू बना दे। ये माँ यदि पहले दिन जुआ सट्टा खेल के आया था उसी समय रोक देती टोक देती तो आज इतना बड़ा जुआरी नहीं बनता। साल धन तो ले गया, बाप की एक दिन अंगूठी भी ले गया चोरी करके, और चोरी करके जुआ सट्टे में कहते गमा दी। एक दिन वो ही ब्राह्मण वो जुआरी से भेंट हुई, इनकी अंगूठी तो मेरी लग रही, हमने चोरी नहीं करी भेर, तुम्हारा छोरा जुए में हार के अंगूठी गया है। अंगूठी नहीं, इसने पूरा आपका जो घर का धन है सब जुआ सट्टे में लगा दिया। उस समय यज्ञ दत्त नाम के ब्राह्मण ने अपनी धर्म पत्नी से पूछा देवी वो मेरी अंगूठी थी, मैंने तुझे दी थी भला दिन, वो अंगूठी नहीं है मेरे पास, कहाँ है, देख कहीं मिल जाए, रखी होगी कहीं, बाद में दे दूंगी, खोज दूंगी, मुझे याद नहीं है। उसे सब मालूम है पत्नी को कि दाव में जुआ में सब गमा बैठा है, पर माँ उसके उस अपराध को गलती को छिपाती रही और ये बच्चा एक दिन इतना बड़ा जुआरी बना। भक्तों के एक समय इस शिवालय में चोरी करने घुसा और गांव के लोगों के द्वारा मारा गया। तो कहते हैं कि यमराज के दूत लेने आए, उसी समय कहते हैं भगवान शिव के पार्षद भी आए और शिव के पार्षदों में और यमराज के पार्षदों में झगड़ा होने लगा। ये कह रहा ये महापापी है, शिवालय चोरी करने गया था, भगवान को गाँव के लोगों ने पूजन में मालपुए का भोग लगाया था, इसने भगवान के मंदिर में चोरी करने घुसा और चोरी करने गया था, इसलिए महापापी है, ये तो यमलोक ही जाएगा। पर शिव के पार्षदों ने यमदूतों के पार्षदों को समझाया ये चोरी करने घुसा था मुझे भी मालूम है, पर सुन लो रे, ये भूखा प्यासा कई दिन तक
कई दिन तक मंदिर के शिवालय के बाहर बैठा रहा। भगवान की इसने कथा भी सुनी है, भले ही मन से नहीं सुनी पर टाइम पास के लिए सुनी है, पर इसने इन कानों से भगवान शिव के गुणानुवाद सुने हैं। और आज ये मंदिर में घुसा था, मंदिर में अंधेरा था और जो भक्त लोग सामग्री चढ़ा के गए थे इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसने भूख से तड़प रहा था, भूख से व्याकुल हो रहा था। इसने अपने कपड़े उतार करके एक दिए में तेल था, तेल में वो शर्ट कमीज डोबी, उसमें आग लगाई, जलाई, उस प्रकाश में उसे कहीं भगवान को भोग लगा के गए थे भक्त उसकी नजर में आया और वो भगवान का प्रसाद लेकर के चुरा के भागा। और भक्त लोगों ने देखा, अरे कोई शिवालय में चोरी करने घुसा है। गांव के लोगों ने पीछा किया, मारना शुरू किया, इतना मारा कि मर गया। पर भगवान शिव के पार्षद कह रहे हैं इसने भगवान का प्रसाद पाया है, भले ही चोरी से पाया है। पटेल साहब बैठे मेरे पुलिस वाले, पहले इटारसी में थे, पहचान गए। अब इसमें धारा देख लेना कौन सी लगेगी। शिव के पार्षद कह रहे हैं देवालय गया था, शिवालय गया था, भूखा प्यासा था, भगवान का प्रसाद पाया और इसने अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, अपनी शर्ट को अपने कमीज को तेल में डूब करके जलाया, ये समझ लो इसने भगवान के लिए दीप दान कर दिया। वही शिव के पार्षद भगवान के शिवलोक ले गए। इसने भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा याचना मांगी और भगवान भूत भवन भी इतने प्रसन्न हुए भक्तों के उस जुआरी के लिए भगवान शिव ने वरदान दिया, अगले जन्म में सुन लेना रे, इस जन्म में तूने शिव जी के गुणानुवाद सुने थे तो आज तू मेरे धाम आया है, अगले जन्म में तू कलंग देश का राजा बने, तेरा पुत्र दम होगा, इतना मेरा अनन्य भक्त होगा कि नित्य दीप दान करेगा, उस दीप दान की देन है, एक दिन वो कुबेर का पद प्राप्त कर लेगा। पर बात वही आ रही है कि ठीक है, भगवान के नाम ने बचा लिया, भगवान के प्रसाद ने बचा लिया, शर्ट जलाई, मान लिया कि भगवान को दीप दान कर दिया, पर यदि पहले ही माँ चोरी करने गया था, जुआ सट्टा खेलने गया था, उसी समय माँ समझा देती इतना बड़ा जुआरी बनता। बहनों से निवेदन है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, कब से? गर्भ से। बहनों की जवाबदारी है। आज जो माता बहने भाई लोग आते हमारे पास, कहते महाराज जी हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। हम पूछते कितना साल का हो गया? 25-30 साल का हो गया। एक पोलियो का दवा का समय है रे भाई बहनों, एक दिन से 5 दिन तक के बालक को दवा असर करती है। यदि समय पे बच्चे को पोलियो पिला देंगे तो बच्चा अपंग होने से बच जाएगा। इसलिए बहनों से निवेदन है समय पे अच्छे संस्कार देना, समय पे अच्छी ज्ञान की घुटी पिला देना, तो इधर पोलियो पिलाओगे तो बालक अपंग होने से बच जाएगा, ऐसे समय पे ज्ञान की घुटी पिला देना बच्चा उजड्ड होने से बच जाएगा। और जो कहते मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, ये शोभा नहीं देता आपके हमारे मुख से। इस धरती पे एक बाप ने कहा था कि मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, उसके कारण इस धरती पे विश्व युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, भाई भाई लड़े,
धरती रक्त रंजित हुई और वो पिता था धृतराष्ट्र। एक धृतराष्ट्र ने कहा था कि मेरा बेटा दुर्योधन मेरा कहना नहीं मानता। आज पुत्र मोह में सब अंधे हो गए, भक्तों सब अंधे हो गए। क्यों धृतराष्ट्र बन रहे हो? संस्कार की बात चल रही है। दो तो गर्व से देना, जैसे नमक पूरे आटे में नहीं मिलाती, ये बहनें भोजन बनाती हैं यूं यूं करके बीच में यूं कुंडी बनाती और थोड़ा सा नमक डाल देती और पूरे आटे में वो नमक भिग जाता है। ऐसे ध्यान रखना, संस्कार दो तो गर्व से देना भाई बहनों। जब भी ऐसी भगवान स्थिति निर्मित करे उसी समय से अच्छे ग्रंथ पढ़ो, देव पुरुषों की वाणी सुनो, घर में क्रांतिकारी उन महावीर पुरुषों के चित्र रखो। ये कहां के विलेन के जिनके शरीर पे कपड़े ही नहीं है, ऐसे नेता अभिनेता के चित्र लगा के रखें। हम तो व्यासपीठ से आपको एक बात कह रहे हैं, कोई बुरा मत मानना, घर में भले ही साधु का चित्र ना हो पर अपने देश के सैनिक का चित्र जरूर रखना भक्तों। साधु पथभ्रष्ट हो सकता है किसी कारण से, पर मेरे देश का सैनिक, मेरी मातृभूमि की रक्षा के लिए। आप तो गुलाब जामुन डकार रहे हैं, मैं बेचारे देखो तो सीमा पे खड़े गोली खा रहे हैं। ये तो थोड़ी सी उत्तरा गलती नहीं करती, वो सोती नहीं तो जी बेचारा अभिमन्यु मारा नहीं जाता, क्योंकि अर्जुन बता रहा था चक्रव्यूह का वेदन, बस प्रवेश करना ही बता पाए थे और इस पागल को नींद आ गई। नींद आ गई तो बेचारा वो बेमौत मारा गया और अपने लोगों के द्वारा मारा गया। इसलिए निवेदन है कि कथा भी सुनो तो जागृत अवस्था में सुना करो। क्या बोली आज पंडित जी ने, ये उत्तरा ने गलती केवल इतनी करी कि अर्जुन बता रहे थे चक्रव्यूह वेदन कैसे किया जाता है, तो प्रवेश करना तो बस सुना पर बाहर निकलना बता रहे थे, उस समय इसको नींद आ गई इसलिए बेचारा वो बेमौत मारा गया। क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चों के लिए? आपके ऊपर निर्भर है। किसी से मत कहना मेरा बेटा कहना नहीं मानता है। खड़ग सिंह की कथा सुनी? खड़ग सिंह डाकू हुआ, 4-5 साल का था, गांव के बच्चों के साथ खेल रहा था, शरीर में थोड़ा अच्छा पुष्ट पड़ता था, मोटा तगड़ा था। अब गांव के बच्चों के साथ गेंद खेल रहा था और कहते खेल खेल में उन बच्चों को चित करके पराजित करके गेंद छीन के लाया। अपनी माँ से कहा, माँ आज मैंने 4 सखाओं को 4 मित्रों को पराजित करके चित करके ये गेंद लेके आया। जो माँ ने सुना, शेरणी का दूध पिया तूने, मेरा बेटा मेरा दूध पिया, और यहाँ ठोकी साहब यहाँ ठोकी, तो एक दिन वो ही खड़ग सिंह इसी हिंदुस्तान की धरती का सबसे बड़ा डाकू बना। और डाकू बना, सारी प्रजा परेशान, शासन परेशान, प्रशासन परेशान, सब परेशान, और एक दिन वो ही खड़ग सिंह जब रंगे हाथ पकड़ा गया, और जिस समय पुलिस वाले उसको हथकड़ी पहना रहे थे, उस समय उस खड़ग सिंह ने उन वर्दीधारियों से कहा, मित्रों एक निवेदन मेरा सुन लो, बोल बेटा
इच्छा, बोल तेरी क्या इच्छा। बोले हथकड़ी अभी मेरे हाथों में मत डालो, एक बार मेरी माँ के पास रख लो, उसके बाद हथकड़ी पहनाना। लाया अपनी माँ के पास उन वर्दीधारी पुलिस वालों को, माँ के चरणों में प्रणाम किया, उन पुलिस वालों के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं चोरी करने घुसा, रंगे हाथ पकड़ाया, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, पर हथकड़ी मेरे इन हाथों में मत डालो। अपनी माँ के हाथ पकड़ करके पुलिस वालों से कहा हथकड़ी इन हाथों में डालो। फिर पुलिस वालों ने पूछा चोरी तूने करी, हथकड़ी माँ के हाथ में क्यों? उस समय उस खड़ग ने कहा जिस दिन मैं 4-5 साल की उम्र का था और उस समय गेंद छीन के लाया था, यदि माँ यहाँ ना ठोक करके यहाँ ठोक देती तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। मैं जानता हूँ कि माता पिता गुरु प्रत्यक्ष तीर्थ है, मैं जानता हूँ ये मेरी माँ है, पर ये माँ जिस दिन यदि मैं गेंद लाया था एक तमाचा दे देती और कह देती खबरदार कभी किसी की वस्तु छीन के लाया तो। संस्कार, सीता मां ने लव कुश को क्या संस्कार दिए थे? वाल्मीकि जी की कुटिया में रहती है जनक की बेटी, राजा दशरथ की पुत्र वधु, जंगल से लकड़ी लाती, ईंधन लाती, धान कूटती, घट्टी पीसती और अपने लव कुश का लालन पालन कर रही है। गुरु वाल्मीकि जी देखो उन्हें काव्य सिखा रहे हैं, राम कथा लिखते, रोज सुनाते और कहते हैं एक दिन की घटना। एक दिन श्री राम ने एक यज्ञ का आयोजन किया अयोध्या में और घोड़े पे चुनौती लिख दी, है कोई धरती पे वीर इस घोड़े को पकड़े हमारे से युद्ध करे। एक दिन घटना ऐसी घटी कि वही अश्व वही घोड़ा वाल्मीकि जी की कुटिया के निकट से जा रहा था और इस सिंघनी के बालकों की नजर पड़ी लब के सिंह की भांति घोड़ा पकड़ा। जैसे घोड़ा पकड़ा मैया सीता कुटिया में से सब दृश्य देख रही थी, वहीं से आवाज लगाई बेटा लवकुश घोड़ा छोड़ दो, बेटा घोड़ा छोड़ दो। जैसे ही लवकुश ने सुना वहीं से माता नमाया, माँ आपकी आज्ञा शिरोधार है, घोड़ा तो यूं छोड़ दें पर माँ घोड़ा तो छोड़ दें पर ये तेरा दूध आज घोड़ा नहीं छोड़ने दे रहा है। क्यों? घोड़ा यूं ही जाता है अपमान गुरु का होता है, ये वन देवी का छत्राणी का, ये दूध यूं ही ले जाता है। मां तेरी आज्ञा शरदार है पर ये तेरा दूध आज घोड़ा नहीं छोड़ने दे रहा है। जिस समय लवकुश ने घोड़ा पकड़ा राजा राम को मालूम हुआ कौन बालक है, भरत को पहुंचाया, शत्रुघ्न जी को पहुंचाया, लक्ष्मण जी को पहुंचाया, सबको मूर्छित कर दिया, हनुमान आए इनको भी बांध करके एक तरफ खड़ा कर दिया। इधर राजा राम ने सुना कि दो सुकुमार बालक ऐसे शत्रुघ्न जैसे लक्ष्मण जैसे वीर और मेरे भरत जैसे मेरे भाई को और मेरे हनुमान जैसे परम वीर को उनने बांध रखा है, इनको मूर्छित कर रखा है, कौन बालक होना चाहिए? आज स्वयं श्री राम जो है रथ पे आरूढ़ हुए, सारंग धनुष उठाया, चल पड़े साहब चल पड़े और जैसे ही आए और आते ही इधर दोनों वीर बालकों ने धनुष उठाया, सामने आए। वाल्मीकि जी ने आके उस समाधान किया हे राजा राम ये बालक हैं, अग्नि वायु की जल की सीमा होती है प्रभु, ये बालक हैं, इनकी बातों में क्या लग रहे हैं आप? ऐसे जैसे समाधान किया पर एक दिन पता चला कि अयोध्या में यज्ञ हो रहा है, अयोध्या में यज्ञ हो रहा है, मचल गए दोनों बच्चे। अपनी माँ से कहा माँ अयोध्या के राजा राम यज्ञ कर रहे हैं, माँ यदि आपकी आज्ञा हो हम भी यज्ञ नारायण के दर्शन करें आएं। कैसे मना कर सकती है माँ यज्ञ के दर्शन के लिए? बेचारी ठंडी वासी रोटी रखी थी लाई, जीर्ण सीर्ण कपड़े में बांध करके
और अपने बेटा लवकुश से कहा, बेटा अयोध्या जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना बेटा, वो राजा का यज्ञ है बेटा, वहाँ राजसी भोजन होगा, 56 प्रकार के व्यंजन होंगे, तरम तर घी का भोजन होगा। मेरे लाल बेटा, तुम भंडारे में भोजन मत करना बेटा, ये ठंडी वासी खा लेना बेटा, मेरी बस इतनी ही इच्छा है, इतना मेरा कहना मान लेना। क्योंकि सीता जानती थी यदि मेरे बेटा एक बार यदि ये राजा के यहाँ यज्ञ में भोजन कर लेंगे, मैं वन में रहती हूँ, मेरे पास वैसी व्यवस्था नहीं है, यदि मेरे बच्चों की दूसरी बार ऐसा भोजन करने की इच्छा हुई तो मैं कहाँ से लाऊंगी। आज तो हमारे आपके बच्चे चाट फुल्की के लिए ना तो कोई कोई क्या कहें साहब, अच्छा नहीं लग रहा कहना, चाय जा मक्की जैसे झूम जाते हैं, और वो फुल्की वाले को देखना यूं यूं पहुंचते जाए और यूं यूं डूबते जाए, और आप खाते जाओ। देखो क्या संयम की कथा, तो सुनो, हंस के मत गवा देना। सीता के सुकुमार अयोध्या नरेश श्री राम के पुत्र लवकुश, जिस राम के यज्ञ में सुबह से लोग 10-10 बार भोजन करते थे, और तरम तर भोजन था, राजा का यज्ञ था, भक्तों कैसा व्यंजन बना होगा, और क्या संयम रखा मेरे लवकुश ने। सीता ने कहा, बेटा जा रहे हो राम का राज्य में, अयोध्या में यज्ञ हो रहा है, तो मेरे लाल इतना करना, तुम वहां भोजन मत करना, ये बासी ठंडी खा लेना। गए गए लवकुश आए अयोध्या, वो ये ठंडी बासी निकाल के खा रहे, और भरत जी आए और कहा, बेटा ये ठंडी वासी रख दो, यहाँ भंडारा चल रहा है, हम यहाँ भोजन जी वो नहीं, हमारी माने का है ठंडा वासा खाना, घर का खाना, यहाँ यहाँ राजा के यहाँ यज्ञ में भोजन नहीं करना। अब विचार करना रे भाई बहनों, कथा की गहराई में जाना, कि जिस राम के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लोग 10-10 बार भोजन कर रहे हैं, लेकिन उसके बेटा सूखी बासी रोटी खा रहे हैं, जिस बाप को पिता चला होगा उसको क्या बीती होगी, पर क्या संस्कार दिए थे मैया सीता ने, मना कर दिया, हमारी मां ने मना किया है यज्ञ में भोजन नहीं करना। और एक दिन वो लवकुश ने उठाई वीणा, अयोध्या की गलियों में जो तान छेड़ी भक्तों, ऐसी तान छेड़ी कि साहब अयोध्या के घरों में जो सुहागन बहने भोजन बना रही थी, उनकी साहब लकड़ियों से पानी निकल पड़ा, अग्नि बुझ चुकी थी, सारी अयोध्या पूरी पंखे की तरह कांपने लगी। ये कौन बालक हैं, ये कौन सा काव्य गाते हैं, क्या गाते हैं, जब ये गाते हैं इतना करुण स्वर में गाते हैं, जब जब गाते हैं हमारी लकड़ियां अपने आप रोने लगती हैं, अग्नि बुझ जाती है, हम रसोई नहीं पका पाते। एक दिन सारे अयोध्या के लोगों ने उन लवकुश से कहा, बेटा तुम ये काव्य गाते हो, तुम सुबह गाओ, दोपहर के गाओ, पर शाम के समय नहीं गाया करो, क्यों? बोले जब हम रसोई बनाते हैं तो ये लकड़ियों से जो है पानी निकलने लगता, लकड़ियां रोने लगती हैं, हमारी अग्नि बुझ जाती है, शाम के समय हम भोजन नहीं पका पाते। जो बीना लेकर के गलियों में निकले, हम बन के बासी नगर जगाने आए, 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 हम बन के बासी नगर जगाने आए।
वन के वासी कथा सुनाने आए, हम वन के वासी कथा सुनाने आए, हम वन के वासी कथा सुनाने आए, हम वन के वासी कथा सुनाने आए। न्यायी नरेश होकर के ऐसा क्यों अन्याय किया, संस्कार दिए थे अपने बेटा लव कुश को, पूरी अवध में साफ सरजू में तो जल था, पूरी अयोध्या में जल मग्न कर दिया था, हर घट में आंसू, हर आंख में आंसू, हर गली में आंसू। समय पे पोलियो पिला देना बहनों भाइयों, एक निवेदन और कर रही है व्यासपीठ,
ये संतान 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 मेरा बेटा सब ध्यान से सुनना। संतान हो तो गुणवान हो, नहीं तो लिखने वाले लिख गए और कहने वाले कह गए। अड़ियल घोड़ी पड़ियल वेल ने मरे करकसा नार, ऊत कपूत जो मर जावे जो कुल को दाग लगावे, बेटी वो मर जाए अपने बाप को भरी सभा में नीचा दिखावे, ब्राह्मण वो मर जाए अपने हाथ से दारू पावे। कहे बिंताल सुनो भाई विक्रम, इतने को ये मर जाए इनका अग्नि संस्कार मत करना, बोरे में टांग के तान पांव सोना भाई। बेटा बेटा कह के हमने अपनी औलाद को बिगाड़ा है। ये समय तो दशरथ जी के पास में भी आया था, जब विश्वामित्र मुनि जब राजा दशरथ जी के यहाँ पे आए और कहा राजन मैं जंगल में रहता यज्ञ करता, ये मारीच स्वभाव मेरे को यज्ञ नहीं करने देते, ऐसी इच्छा है मैं राम लक्ष्मण को ले जाऊं, कम से कम ये रखवाली करेंगे, मैं प्रेम से यज्ञ करूंगा। और जैसे दशरथ जी ने सुना, गुरुदेव ये बालक छोटे छोटे बालक आपके क्या यज्ञ की रक्षा करेंगे, पर देखो दशरथ जी ने कहा ये बालक आपकी क्या रक्षा करेंगे, क्या आपकी राक्षसों से रक्षा करेंगे। पर उसी समय बैठे थे बाजू में वशिष्ठ, और वशिष्ठ जी ने सुना, कितना सटीक उत्तर दिया गुरुदेव ने, दशरथ बेटा बेटा कह के औलाद मत बिगाड़ देना, पहुंचा दे विश्वामित्र जी के साथ में, क्या कमी तेरे भाई बहनों जिसने चौथेपन में बेटा का मुख देगा। पर देखो पुत्र मोह नहीं किया, पहुंचा दिया कि नहीं विश्वामित्र जी के साथ में, पहुंचा दिया तो आज बेटा का भी नाम है, बाप का भी नाम है और गुरु का भी नाम है। नहीं पहुंचाते तो ये इतनी बड़ी रामायण नहीं लिखाती, फिर केवल अयोध्या के राजकुमार ही रहते। अच्छे संस्कार समय पे, समय पे अच्छे संस्कार दे दो, आप भी आनंद जियो। ये बेचारे पुलिस वाले भी चैन से ड्यूटी करें, इन उचक्कों के कारण, ये चोरों के कारण, ये बदमाशों के कारण बेचारे दीपावली नहीं कर पाते साहब, दीपावली वार त्योहार नहीं कर पाते, ऐसी सख्त ड्यूटी लगाई जाती है। यज्ञ दत्त नाम के ब्राह्मण की पत्नी की एक ही इच्छा थी, मेरा एक बेटा है, मुझे इस बेटे से सुख मिलेगा, बुढ़ापे के पानी देगा। वो जुआ सट्टा खेलता रहा, जो भी दुराचार अनाचार करता रहा, माँ छिपाती रही, पिता पूछते क्यों वो बालक कहाँ है, गुणनिधि कहाँ है, ये गफला देती बहला देती, कहीं कहती पूजा करने गया है, कहीं कह देती शिवालय गया है। बहनों आपके ऊपर बहुत जवाबदारी है, तो जितने आए हो और जे आशा लेके बैठे हो कि मेरे बेटे से संतान से मुझे सुख मिलेगा, सुन लेना कैसी लगे
पर इतना जरूर आप से कह दे रहे हैं कि संतान और पकवान ये देखने में अच्छी लगती है, भक्तों पर देती बहुत दुख है। कौन कौन? संतान और पकवान। दो चार दिन खा के देखना, जब कुल कुल करे इनकी क्या हो क्या रहा है। ये वो पपड़ी खाई ना अपन ने होली पे, तो करेगी। निवेदन है, जैसी लगे सुन लो आप। तो सांप और सुख ये लेने के नहीं है, केवल दर्शन के लिए है। कौन कौन? सांप देखा कभी? काला दमना और कौन सा सांप और सुख केवल देख लो, केवल दर्शन के लिए है, लेने के नहीं है। कभी सावन महीने में आया होगा देखना, कहीं टिपारी में रखे होगा। वो आता है कौन, कालवेरिया क्या बोलते हैं, सपेरा, सपेरा आता है टिपारी में रखा रहता है। किसी ने कहा दो चार दिन छोड़ जाए मेहमानी के लिए, वो तो जैसे ही उसने ढक्कन खोला और जो फुफकार मारे, ओ भैया जल्दी बंद कर ले रहे। सांप और सुख ये लेने के नहीं है, केवल देखने के, दर्शन के लिए। क्या संतान, क्या बेटा से सुख की आशा करते हो? हम तो आपसे कह रहे हैं ये संसार एक दारू की दुकान है, और दारू की दुकान पे दारू मिलती है, क्या दूध की आशा कर रहे? दारू की दुकान पे दूध की आशा? जो अरमान लेके बैठे हैं कि मेरे बेटे से मुझे सुख मिलेगा, कान खोल के सुन लेना रे भाई बहनों। राजा दशरथ को राम जैसे बेटे से सुख नहीं मिला। आप हम क्या कौन से विचार में बैठे हैं? कभी रामायण खोल के पढ़ना, उसी राम के वियोग में राजा दशरथ जी ने 6 बार नाम लेके शरीर छोड़ा था कि राम राम कहें, राम कहें, राम राम कहें, राम तन पर राव गए सुरधाम। मरते समय 6 बार नाम लिया राजा दशरथ ने, राम के वियोग में 6 बार नाम लिया, शरीर छूटा, कहते फिर भी राजा दशरथ को मोक्ष नहीं मिला। पढ़ी कथा, सुनाई किसी ने? भगवान शंकर जैसे कथाकार भगवती पार्वती को सुना रहे हैं। पार्वती ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। और हम यहां से सुनाएंगे कैसे भी भगवान का नाम लो, भाई को भाई अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशदस हूँ। पर इधर राम के बाप ने राम का 6 बार नाम लिया, राजा दशरथ को मोक्ष नहीं हुआ। भगवान शिव पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, पार्वती ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। भगवान शंकर से पूछा भगवती पार्वती ने कि इन्हें मोक्ष क्यों नहीं मिला, यदि 6 बार आपके इष्ट का नाम लिया, राम का नाम लिया, इन्हें मोक्ष मिलना थी। भगवान शंकर कह रहे हैं, राजा दशरथ जी ने 6 बार नाम लिया पर अपने बेटे का नाम लिया, राम को बेटा माना, ब्रह्म नहीं माना। जिस समय भगवान श्री राम ने रावण को मारा, विजय दुंदुभि बजी, फूलों की वर्षा हुई, उस समय कहते दशरथ जी आए थे धरा पे। ते ही अवसर दशरथ तह आए, तने विलोक नयन जल छाए। फिर अनुज सहित प्रभु बंधन कीना, और आशीर्वाद पिता तब दीना। जब कहते हैं स्वर्ग में देवों के पास में थे, उस समय कहते जब रावण को मारा, उस समय दशरथ जी धरती पे आए और कहते राम लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, प्रणाम किया, राजा दशरथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पर इधर राम जी ने नजर डाल के देखा कि मेरे ही वियोग में शरीर
शरीर छोड़ा और अभी भी अपने को पुत्री ही मान रहे हो, फिर राम जी ने दया करी, कृपा करी कि तुमने पुराने पुण्य से मेरे जैसा बेटा तो प्राप्त कर लिया और अभी भी मुझे बेटा ही मान रहे हो और मेरे ही वियोग में शरीर छोड़ा है। फिर भगवान श्री राम ने कृपा करी, दया करी, निज स्वरूप का बोध कराया, निज स्वरूप का बोध कराया। जब दशरथ जी आए थे, राम लक्ष्मण ने दशरथ को प्रणाम किया था, पर निज स्वरूप का बोध कराया उस समय कहते, फिर दशरथ जी ने राम जी को प्रणाम किया कि बार बार करी प्रभु ही प्रणामा और दशरथ हरस गए उस स्वर्ग। पढ़ी रामायण पढ़ी के फोकट में ही कर रहा है 24 घंटा पूरी। भक्तों, इस संसार में दो ही व्यक्ति सुखी है, दो ही जगह सुख है। बकाया तो सब अंदाज से दुनिया चल रही है। यहाँ गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, ने राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, ने इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी दास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो जो लोग बैठे होंगे कि संतान से बेटे से सुख मिलेगा, देख लेना जो यज्ञ दत्त ब्राह्मण की कथा है, शिव पुराण की कथा है, सुन लेना रे भाई बहनों, ना तो यहाँ सपूत काम का है और ना कपूत काम का है, क्योंकि जो 10 पुत्र जने गद ही, कहाँ 10 पुत्र जने सुख पावे, लादत लादत भार सवे दिन, आयु घटे तब ही मर जावे, पर सिंगनी एक ही पुत्र जने, बन में सुख सोवत आयु बितावे, पूत सपूत मोह लगावे, कपूत सदा कुल दाग लगावे। ना सपूत काम का है और ना कपूत काम का, केवल वंश वृद्धि के लिए संतान जरूरी है, ऐसा भी सुन लो। नहीं तो कल लोग बात करेंगे, पंडित जी तो कह रहे थे कि साहब संतान से सुख नहीं मिले, वंश वृद्धि के लिए संतान जरूरी है। पर जो जो इनसे आशा लेके बैठे, आज से अपनी आशा छोड़ देना, आशा ही रखना है तो आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, जिससे आप हम बैठे, ऐसी सभा बिठा ली और सभा बिठा ली, एक संसद बिठा ली और एक प्रश्न रखा सब ग्रस्त लोगों से, क्यों रे संतान किस लिए प्राप्त की जाती है, बेटा किस लिए पैदा किया जाता है। अब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रश्न रखा हम संसारियों के बीच में, सबने अपने मति अनुसार उत्तर दिया। कोई कहने लगा बुढ़ापे के जमीन संभाल लेगा, कोई कहने लगे धंधा पानी संभाल लेगा, कोई कहने लगा अरे बुढ़ापे के रोटी दे देगा, पानी दे देगा, कोई के लगा मरने के बाद पिंड श्राद्ध कर देगा। सब ने अलग अलग उत्तर दिए। आदि गुरु शंकराचार्य प्रसन्न नहीं हुए। उस समय उनके शिष्य ने देखा कि ये सब उत्तर दे रहे गुरुदेव संतुष्ट नहीं है। शिष्य पहुंचा और अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका उत्तर दूं। बोल बेटा संतान किस लिए पैदा की जाती है। गुरुदेव संतान केवल आग लगाने के लिए पैदा की जाती है। काय के लिए बोलो भाई बहनों, कोरोना में तो वो भी नहीं लगा पाए। हाँ, सीधी बन्नी में पैक, ना तुलसी ना कंठी ना तिलक, जिनके लिए पच रहे वो सुन लेना रे भाई बहनों,
केवला, काम दूसरा कुछ काम नहीं, आखिरी में जाके और आग की कोई कहे तो मुर्दे को भी देख है लकड़ी कपड़ा आग। एक लावारिस भी मर जाता है, ये पुलिस वाले बैठे हैं, ये जानते हैं, 10-10 रुपया भी बेचारे इकट्ठा करके अग्नि संस्कार कर देते हैं। ध्यान रखना, ये शरीर की मरने पे 3 गति होती है, जला देंगे राख बन जाएगा 2-4 तगाड़ी, गड़ा देंगे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, बाहर पटक देंगे कौआ कुत्ते लोमड़ी का भोजन बन जाएगा। पर निवेदन है आपके लिए, इनके इनके भरोसे मत बैठे रहो, आपके लिए कितना पच रहे हम, केवल आप। अष्टावक्र मुनि का कथन है कि प्राणी शरीर में काया में आग लगाने वाले को मत ढूंढ, यदि ढूंढने का शौक है तो अपने ही घट में बसे अज्ञान जनाले वाले को ढूंढ। आए कोई ऐसा मिले कि मेरे घट में जो अज्ञान भरा है अज्ञान को जलाए, वो मिले। अज्ञान जलाने वाले को ढूंढना, काया जलाने वाले को नहीं, काया जलाने वाले को नहीं, वो ढूंढना कि मेरा तार हरी से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार I'm not afraid of the dark.
शरीर में आग लगाने वाले को मत ढूंढ, शरीर में बसे हुए अज्ञान को जलाने वाले को ढूंढ। सपूत रोटी दे सकता है पर मुक्ति नहीं दे सकता, मुक्ति तो परमात्मा की भक्ति से मिलेगी। के नुक्ति से मुक्ति मिल जाएगी, बोलो ना। ढोकरा गया और बड़ी अच्छी रसोई कर दो, कितनी गलाई, 5 बोरा शक्कर गली बलाने की रसोई में, 5 नहीं 50 बोरा की गलवा देना हो। और इधर ध्यान से सुन लेना, नुक्ति नुक्ति होती है और भक्ति भक्ति होती है और मुक्ति मुक्ति होती है। नुक्ति से मुक्ति, नुक्ति तो एक रिवाज है रे भाई बहनों, ये मृत्यु भोज ठीक एक परंपरा है। स्वजन बंधु दूर दूर रहते, नाते रिश्तेदार अब बेचारे उतनी दूर से आएंगे तो कुछ, अरे नितेश रिवाज शुरू कर दिया कि 10 कुंटल गलवा नहीं पड़ेगा, 5 कुंटल 2 कुंटल गले, बेचारा गरीब है उसे भी फिर देख देख के 1-8 कुंटल 50 किलो तो गलवा नहीं पड़े। हम इस रिवाज में दखलंदाजी नहीं करेंगे, जी आपकी सोच है, पर शास्त्रों में कहीं मृत्यु भोज का नियम नहीं है। जाने वाले का चला गया, और इधर देखो मनवार से मरने के बाद में मनवार करके गुलाब जामुन परोसी जा रही है, ध्यान रखना, एक तो लेना पड़ेगा। अरे खुशी में गुलाब जामुन परोसते खिलाते तो अच्छा लगता, मरने के बाद में लड्डू परोसे अच्छा लगे? तो ये बताओ, ये इनको परोस रहे हो कि एक गुलाब जामुन, क्या यही दिन देख रहे थे ये कम मरे? ध्यान दो, सविदर नुक्ति छोड़ो, परमात्मा की भक्ति करो।
तेरह करोड़ से मुक्ति बताई। शिव महापुराण में आया है एक करोड़ मंत्र जप से शरीर निरोग हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। शिव पुराण की है, इधर ध्यान से सुनना, फिर विश्राम दे देंगे। एक करोड़ यदि माला पे जप हो जाता है, मंत्र जो भी हो, महामृत्युंजय हो, मृत्युंजय हो, द्वादशाक्षर हो, पंचाक्षरी मंत्र हो, अपने इष्ट का जो भी मंत्र हो, माला पे एक करोड़ यदि जप हो जाता है, शरीर का रोग समाप्त हो जाता है। दो करोड़ से पूर्व जन्म की स्मृति याद आ जाती है। तीन करोड़ मंत्र जप से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। चार करोड़ से स्वयं भगवान शिव सपने में दर्शन देने लगते हैं। पांच करोड़ जप से प्रत्यक्ष भगवान शिव का दर्शन हो जाता है। दस करोड़ से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है और तेरह करोड़ से शाश्वत मुक्ति हो जाती है। नहीं बजाओ ताली, हे भगवान, हम तो ऐसे मट्ठे बैल हो जैसे वो आर दिए जाए ना, इतने मट्ठे हो कैसे गए तुम, इतनी कथाएं हो रही उसके बाद भी। तेरह करोड़ से मुक्ति बताई है। जितनी मालाएं पहने हो, दुकान पे टंगी है, सबसे इधर प्रार्थना है, जितनी मालाएं हैं सब कुंवारी हैं। जिस दिन माला पे जप होता है, ध्यान रखना, जब तक बेटी का विवाह नहीं होगा, जब तक वो पुत्र को जन्म नहीं दे सकती है। ऐसे जितनी माला हैं सब कुंवारी हैं, पर जिस माला पे जप हो जाता है तो जैसे बेटी का विवाह होता है उसके बाद वो बच्चे को जन्म देती है, ऐसे माला पे यदि भजन हो जाता है तो माला भी गर्भवती होती है। भक्तों, जैसे नारी गर्भ धारण करती है और 9 महीने के बाद बालक को जन्म देती है, ऐसे ध्यान रखना, माला पे 9 करोड़ मंत्र का जाप होता है तो माला भी गर्भवती होती है। बच्ची वो नारी बालक को जन्म देगी, पर माला से कहते हैं, माला गर्भवती होगी तो माला से ब्रह्म प्रकट हो जाता है। ये राजा दशरथ जी के यहाँ जो राम आए, देवकी वसुदेव के यहाँ कृष्ण आए, अदिति कश्यप के यहाँ पे भगवान भावन आए, ये ध्यान रखना, ये माला से आए हैं। ग्रंथों को पढ़ना, इतने हजार वर्ष तप किया इनने घोर तपस्या करी, इतनी सेवा करी, इतनी आराधना करी, इतने वर्ष तक ऐसे तप किया, ऐसे संयम से तप किया। जितनी गले में डाले हो, इन पे यदि भजन नहीं हो, ये सब मालाएं कुंवारी हैं। जिस दिन माला पे भजन हो जाता है भक्तों, वो माला गर्भवती हो जाती है और नारी के उर्स से 9वें महीने के बाद बालक का जन्म होता है। ऐसे माला के ऊपर 9 करोड़ जप हो जाता है तो माला से ब्रह्म प्रकट हो जाता है। जपो, भजो, आज में और पहले में केवल इतना ही अंतर है भक्तों। पहले माला की लड़ाई थी और अब माल की लड़ाई चल रही है।
पहले शिष्य यदि सेवा करता था गुरु जी की तो केवल एक भाव से करता था कि मेरे गुरु जी शरीर छोड़ने से पहले ये माला किसको देंगे। यदि बेटा अपने माता पिता की बाप की सेवा करता था इसी भाव से करता था कि पिताजी ये तुलसी रुद्राक्ष की माला फेरते घुमाते जपते ये माला किनको देंगे, इस भाव से बेटा बाप की सेवा करता था। और अब ध्यान रखना, अब जो सेवा हो रही है आपकी नहीं हो रही, धन की सेवा हो रही है। मालई की तो लड़ाई थी पहले, जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ राम जी ने उपहार में सबको अपनी इच्छानुसार भेंट दी पर हनुमान जी को कुछ नहीं दिया, हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। उस समय माता सीता जी ने देखा कि श्री रघुनाथ जी ने सबको खूब उपहार दिए पर मेरे हनुमान को तो कुछ दिया ही नहीं। माता सीता जी ने जो मुक्ता हार था, मोतियों का हार जो राम जी ने सीता जी को दिया था, राम जी के पास कहां से आया? ये पवन देवता ने राम जी को दिया था और राम जी ने वो मुक्ता हार सीता जी को दिया था। इधर सीता जी ने देखा कि श्री राम जी ने सबको प्यार दिया पर मेरे प्यारे हनुमान जी को तो कुछ दिया ही नहीं। वो सीता जी ने मोतियों का हार उतारा, उतार करके हनुमान के गले में पहना दिया। सारी सभा के लोग आश्चर्य में पड़ गए कि देखो देखो माता सीता ने वो जो राम जी ने हार दिया था ना सीता जी को, आज सीता जी ने हनुमान को पहना दिया। हनुमान कितना भाग्यशाली है, कितना पुण्यशाली है। जहां से कथा शुरू हुई थी वहीं ध्यान रखना, वहीं विराम ले रहे हैं, कितना भाग्यशाली है। पर इधर हनुमान जी खुश नजर नहीं आए। सब लोग देखो तो पूरी पूरी भवन में पूरे सभा में कोलाहल मचा है, सब लोग हनुमान के भाग्य की सराहना कर रहे। उस समय हनुमान जी ने वो माला देखी। इधर ध्यान हो, वो मोतियों को देखते दांत के नीचे दबाते तोड़ते तोड़ करके देखते यूं फेंक देते। जो लोगों ने देखा कि कितना कीमती मोती और हनुमान वज्र तुल दांतों के नीचे दबाते देखते तोड़ के फेंक देते, आखिर मामला क्या है। विभीषण को रहा नहीं गया, आखिर में पूछा, हे हनुमान एक तो बताओ जो मोतियों की जो माला है आपको माता सीता ने पहनाई, आपको मालूम है ये कितनी कीमती मोती है? भैया तुम्हें मोती दिख रहे हैं, तुम मोती देख रहे हो पर मैं इस मोती में मेरे इष्ट को देख रहा हूं और जिसमें मेरे राम नहीं वो तो त्यागने योग्य है, फेंकने योग्य है। फिर विभीषण ने कहा, यदि तुम्हें मोतियों की माला अच्छी नहीं लग रही, कौन सी चाहिए, कौन सी माला पहनवा दें, कौन सी माला ला दें? हनुमान जी ने कहा, सुन लो रे, मोती की नहीं, सोने की नहीं, और वो राम जी के सिंहासन के पीछे टंगी थी जिस माला को दशरथ जी जपते थे, वो माला देखी, तुलसी की माला देखी। हनुमान रीझ गए और कहा, मोतियों की नहीं, सोने की नहीं, फिर वही माला रे, वही माला मोए ला दो भजन की, वही माला, वही माला रे, वही माला मोए ला दो भजन की, वही माला।
आकाश भगवान की जय, चंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय, नारायण की जय, व्यास भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, कथा यहीं विश्राम ले रही है। कल भगवान शिव का विवाह है, तो भगवान के विवाह में सब लोग पधारना। ये जरारिया गार्डन है, और भी तो शादी में आयो। कल भगवान शिव का विवाह है, देव ऋषि नारद जी का तप, ठीक है। यहाँ से कथा प्रारंभ करेंगे, यहाँ तक प्रभु जी से ले जाए। हरि अनंत हरि मन में
विश्व का कल्याण